नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करें। दोस्तों यदि आपका पेटीएम बैंक अकाउंट था, जितना भी सरकारी पैसा था आपके पेटीएम बैंक में ही आता था, यानी कि डीबीटी एनपीए से लिंक किया हुआ था, तो अभी जो आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया उसके बाद यदि आप अपने पेटीएम बैंक से डीबीटी एनपीए से लिंक हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं, आपको बताने वाला हूं कि कौन से बैंक में आपका डीबीटी एनपीए से लिंक किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि आपका जो डीबीटी एनपीए से लिंक है वो किस बैंक से है। तो आपको यहाँ पे आधार लिख करके सर्च कर देना। जैसे आप आधार लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको लिंक दिखाई देगा इसी वेबसाइट के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस भी भाषा में आप इसको यूज करना चाहते हैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा फिर से पेज रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू आपके सामने आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। जैसे इस पॉपअप मेन्यू को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे नीचे में आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा, किसी एक ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप किसी एक ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देते हैं फिर से यहाँ पे पेज रिडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको फिर से नीचे के साइड में आना है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बैंक सीडिंग स्टेटस, सीधा आपको यहाँ पे टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा फिर से ये पेज रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे आपको जो अपना आधार नंबर टैप कर देना, जो कैप्चा वो टैप कर देना है। सेंड ओटीपी के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आपको टैप करने के बाद लॉगिन के ऊपर में टैप कर देना। यहाँ पे आपके आधार कार्ड का काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे आपको टैप कर देना। जैसे आधार नंबर का 4 डिजिट दिख जाएगा, आपके बैंक का नाम दिख जाएगा और यहाँ पे एक्टिव दिखाई देगा। यहाँ पे लास्ट अपडेट कब किए थे वो भी आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किस बैंक में डीबीटी एनपीए से लिंक किया हो। कभी कभार ये ऑप्शन काम नहीं करता तो आप में जाना और गूगल क्रोम में यहाँ पे आपको एनपीसीआर लिख करके सर्च कर देना। जैसे एनपीसीआर लिख करके सर्च कीजिएगा फर्स्ट में आपको लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कंज्यूमर के ऊपर में टैप कर देना। जैसे आप कंज्यूमर के ऊपर में टैप कीजिएगा एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा आधार, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग एनेबल, यहाँ पे सिंपली एक बार टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा फिर से ये पेज रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो कैप्चा है वो और यहाँ पे चेक स्टेटस के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना। आपके दिए गए मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका फिर से आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे कि आपका जो बैंक कौन सा लिंक है, सारे डिटेल्स आपके पास में आ चुका है आपको बताया, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका डीबीटी किस बैंक में लिंक है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आप इस प्रोसेस को नहीं कंप्लीट कर सकते। आप नहीं जान सकते कि आपके आधार कार्ड में कौन सा आपका डीबीटी किस बैंक से लिंक है। आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा तो आपको अपने नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है। आप चेक कर सकते हैं या फिर आपके जो भी बैंक अकाउंट है जितना भी उसमें जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपका एनपीसीआर डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है। पेटीएम बेस पे इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे थे तो यहाँ पे आईडीबीआई शो कर रहा है। यदि आपका पेटीएम शो करेगा तो आपको कैसे उसको हटाना है, तो अपने मोबाइल फोन में जो आप पेटीएम इंस्टॉल किए हुए उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। एप्लीकेशन ओपन करने में जो भी लॉक लगा है उसको अनलॉक कर लेना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा पेटीएम पेमेंट बैंक, सीधा आपको यहाँ पे टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा फिर से आपको अनलॉक कर लेना है। आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल बैंक सर्विस दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गवर्नमेंट स्कीम का एनरोल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो सिंपली आपको यहाँ पे एरो के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो के ऊपर में टैप कीजिएगा आपके सामने में एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेन्यू वाइज समझाया गया है कि डीबीटी का क्या फ़ायदा है, किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते कि आपको बताया गया कि डीबीटी अगर लिंक रहता है तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। यदि आपका जो इसमें डीबीटी लिंक रहता है पेटीएम से तो यहाँ पे आपको हटाने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा जो है पेटीएम बैंक अकाउंट लिंक नहीं है डीबीटी से, इसलिए यहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिंक योर अकाउंट के ऊपर में क्लिक कर देना, इसी तरीके से आपको हटाने का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाद फिर आप अपना अगला प्रोसेस कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी में कभी भी पैसे का जरूरत पड़ता है तो आपको एक एप्लीकेशन रिफर कर रहा हूँ ट्रू बैलेंस, जो कि प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जो भी केवाईसी का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक का शुरुआती में मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे 5000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा, जो कि इंस्टेंटली तुरंत आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगा। साथ साथ यदि आप इस एप्लीकेशन की मदद से कमाना चाहते हो तो यहाँ पे रिफर एंड अर्न के ऊपर में क्लिक करके आप अपने दोस्तों के साथ में इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। कॉल करते एप्लीकेशन को कुछ लिमिट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको शेयर करके भी पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके और आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इस एप्लीकेशन को जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि आपको कुछ लिमिट मिलता है ठीक है, अदरवाइज़
इसको आप डेली रिफ़र करिएगा, जब भी आप रिफ़र कीजिएगा आपके रिफ़र किए गए लिंक से अगर कोई भी दोस्त आपका इंस्टॉल करता है उसको यदि कोई भी कुछ भी लिमिट मिल जाता है तो आपको इंस्टेंटली 5% तक का कैशबैक मिलेगा आपके वॉलेट में। और इसके 109 रुपये कमा चुके हैं और यहाँ पे पेंडिंग केस मेरे 1425 रुपये भी बचा हुआ है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट मनी है, यहाँ पे टैप करके इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में सीधा ले सकते हैं। सेंड मनी के ऊपर में टैप कीजिएगा, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड नाम सेंड करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करके आपको सेंड कर लेना, आपके अकाउंट में सीधा पहुँच जाएगा। साथ साथ ही इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपना मोबाइल डीटीएच रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।